Hi, I'm Rakshanda Khan and you're watching timesofindia.com. मैंने अगर कोई कैरेक्टर एक्सेप्ट किया है, थैंकफुली इट्स ऑलवेज बिन अ वेरी पिवोटल कैरेक्टर इन माय हार्ट आर स्टिल द वंस दैट आई स्टार्टेड विद. वन इज मलिका फ्रॉम जस्सी एंड द अदर इज तानिया फ्रॉम क्यूकी. हमारी रिलेशनशिप के कामयाब होने में क्रेडिट सचिन को मिलना चाहिए. खुद आके पहले बोल लेते हैं आई एम सॉरी और फिर जब मैं शांत हो जाती हूँ उसके बाद मुझे समझाती फॉल्ट तो देखो तुम्हारी थी. हम सब प्रेशर लेके काम करने लगे तो कुछ अचीव नहीं हो पाएगा. और प्रेशर शायद इंसान के ऊपर तब होता है जब कहीं पे उनके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क हो अपने प्रोडक्ट को लेके. लेकिन यहाँ पर जो मेकर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो क्रिएटिव्स हैं, उनके दिमाग में वो इतने ज़्यादा क्लियर हैं वो क्या बनाना चाह रहे हैं, वो क्या दर्शाना चाह रहे हैं, दैट दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट सीज़न वन और सीज़न टू की TRP ये थी आगे क्या. उनको ये पता है कि उनके पास जो प्रोडक्ट है वो इतना सुपीरियर है दैट देर इज़ नो वे इन हेल दैट एनीवन विल नॉट लाइक इट. आई थिंक कहीं पे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब इसलिए मानती हूँ कि कभी भी मैंने अगर कोई कैरेक्टर एक्सेप्ट किया है, थैंकफुली इट्स ऑलवेज बिन अ वेरी पिवोटल कैरेक्टर. इट मे नॉट नेसेसरली बी द सेंट्रल कैरेक्टर बट इट्स ऑलवेज बिन अ वेरी पिवोटल कैरेक्टर. और यहाँ पर भी जो माँ है सुमित्रा सहगल वो ईट है जो पूरे घर को एक साथ बांध कर रखती है. शी इज़ मोर लाइक द सीमेंट ऑफ द फैमिली. तो उनकी वजह से पूरा घर एक है. इतना लंबा करियर होने के बावजूद मुझे ऐसे लगता है दैट द बेस्ट कैरेक्टर्स दैट आई हैव प्लेड विच आर क्लोजेस्ट टू माई हार्ट आर स्टिल द वंस दैट आई स्टार्टेड विथ. वन इज़ मलिका फ्रॉम जस्सी एंड द अदर इज़ तानिया फ्रॉम क्यूकी. वो दो कैरेक्टर्स मेरे इतने करीब हैं और शायद मेरी पर्सनैलिटी मेरे बीइंग को शेप करने में इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मेरा जो इमेज है दुनिया की नज़रों में उसको शेप करने के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी रहे हैं ये कैरेक्टर्स दैट दीज टू विल ऑलवेज बी विथ मी इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी कैरेक्टर्स आई प्ले. द ओनली रीज़न व्हाई आई वुड रियली मिस दो शोज इज़ येस आई हैड सम एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सीन्स. और शायद जो बॉन्डिंग मेरी उस शो के स्टारकास्ट के साथ रही है वो तब से लेके अब तक वैसी के वैसी बरकरार है. तो शायद कहीं पे मैं ये कहूँगी कि वो एक्चुअल रियल फ्रेंडशिप्स हैं दैट दोज पीपल हैव नेवर गॉन आउट ऑफ माई हार्ट और माई लाइफ. और शायद इसलिए दे आर दैट इज़ अ शो दोज आर टू शोज विच आर कम्प्लीटली सीप्ड इन टू माई हार्ट. थैंकफुली टेक्नोलॉजी बहुत काम आ जाती है क्योंकि पहले जब मैंने ब्रह्मराक्षस करना शुरू किया था उस वक्त मेरी बेटी सिर्फ 19 महीने की थी तो एक्चुअली काफ़ी छोटी थी और मेरा दिमाग हमेशा वहीं पे रहता था. बट मेरे घर पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है. फिर चाहे वो मेरी माँ है या मेरी मदर इन लॉ है दोनों इतनी ज़्यादा हैंड्स ऑन है मेरी बच्ची के साथ कि मुझे कभी ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती कि वो कैसी होगी. बट एट द सेम टाइम लाइक आई सेड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है आजकल क्योंकि अब वो 3.5 साल की हो गई है तो उसको फ़ोन यूज़ करना आ गया है तो या तो वो फ़ोन कॉल कर देती है मुझे और उससे भी ज़्यादा अच्छा है वो वीडियो कॉल कर लेती है. सो आई गेट टू सी हर ऑल्सो आई गेट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ हर ऑल्सो और उसको भी ऐसा नहीं लगता है कि मॉम को देखा नहीं. ऑफकोर्स व्हेन आई गो होम वो कभी मुझसे कहती है मम्मा आई मिस यू ये वो. बट थैंकफुली मुझे बहुत डर था इस बार कि शायद वो इतनी अच्छी तरह से सेटल इन ना हो. बट टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस सो फार शी इज़ बिन डीलिंग विद इट प्रीटी वेल. तो कम से कम उस तरफ से तो मैं निफराम हो चुकी हूँ कि ठीक है दैट इज़ वन पार्ट ऑफ माई लाइफ दैट्स टेकन केयर ऑफ. लाइक आई सेड कि एक रिलेशनशिप में हम हमेशा इक्वालिटी ढूंढ रहे होते हैं लेकिन सच तो ये है कि मोस्ट ऑफ द क्रेडिट विल मोस्ट ऑफ द टाइम्स गो टू वन पर्सन मोर देन द अदर. और शायद हमारी शादी हमारे रिलेशनशिप के कामयाब होने में 80% से ज़्यादा क्रेडिट सचिन को मिलना चाहिए क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं लेकिन उन्होंने कभी उस बात को हमारी रिलेशनशिप के आड़े नहीं आने दिया. He is invariably the one who will make the first effort after a fight. He is invariably the one, मुझे खाना बनाना नहीं आता तो उन्होंने खाना बनाना सीख लिया. मैं झगड़े के बाद बहुत rarely बोलती हूँ I'm sorry. तो वो खुद आके पहले बोल लेते हैं I'm sorry और फिर जब मैं शांत हो जाती हूँ उसके बाद मुझे समझाती फॉल्ट तो देखो तुम्हारी थी. He is someone who's taught me a lot. ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारे सबक हैं जो मैंने उनसे सीखे हैं एंड
इन सम सेंस आई थिंक मोर देन हस्बैंड ही इज लाइक अ फादर फिगर. वो हर चीज़ इतना समझा देते हैं एक इंसान को दैट देयर इज नो वे इन हेल दैट यू कांट ट्राई एंड इम्बाइब इट फ्रॉम हिम. और थैंकफुली ही वॉज लाइक दैट, क्योंकि ऑन माई ओन मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हूँ. और आई थिंक उनको जानने के 11 साल बाद अब जाके मैं थोड़ी शांत होने लगी हूँ. एंड द फॉलोनेस गोज़ टू हिम. इनाया बहुत क्लियर है कि मम जो है वो साइड किक है, वो होगी हमेशा, तो वो पानी कम चाय है. और डैड जो है वो हीरो है. तो अगर इनाया की ज़िंदगी एक फिल्म है तो उसमें डैड का एकदम स्टारिंग रोल है. मम का कहीं पे कोई साइड ट्रैक है जो कभी कभी कैमरा पासिंग में उनको शॉट मिल जाता है एक. अदरवाइज द फोकस ऑफ इट ऑल इज़ फॉर श्योर सचिन. और उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है क्योंकि सचिन इज़ द फन पेरेंट. माँ दिन भर लेक्चर दे रही होती, दिन भर बोल रही थी ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, ऑल द टाइम मैं उसे कुछ कह रही हूँ. एंड सचिन इज़ अ पर्सन हु कम्स इन एंड सेज चलो अब हम प्ले करेंगे, अब हम ये करेंगे. रात के 10 बजे शूटिंग से आएंगे, फिर बोलेंगे चलो अब हम समरसॉल्ट्स करेंगे, चलो हम नीचे गार्डन में जाके जंगल जिम के ऊपर चलेंगे. एंड आई एम लाइक हैं वेयर डू यू गेट दिस एनर्जी फ्रॉम. सो ऑब्वियसली फॉर माय डॉटर द फादर इज़ द वन हु ब्रिंग्स ऑल द फन इनटू द रिलेशनशिप एंड द मदर इज़ द वन हु ब्रिंग्स ऑल द लेक्चर्स इनटू द रिलेशनशिप. तो अगर वो किसी को रिलेशनशिप में से अवॉइड कर सके तो शी वुड हैव अवॉइडेड द मदर. आई हैव स्पेंट द मोस्ट टाइम विथ सुरभि. और मैं उनको शो के पहले बिल्कुल नहीं जानती थी. हम जब लुक टेस्ट कर रहे थे तब हम मिले थे. एंड ऑब्वियसली तब बहुत एक डेकोरम वाला मेल मिलना आप था और एक दूसरे को बहुत हाय हेलो ऐसे बोल के उतने तक ही था. वंस वी स्टार्टेड शूटिंग शी इज़ सच अ बेसिक गर्ल कि वो कभी उसने ये महसूस नहीं होने दिया कि हम एक दूसरे को जानते नहीं. उसका जब मन करता था वो आके मिलती थी, बैठती थी, अच्छा अब मुझे ये खिला दो, अच्छा अब मुझे वो कर दो, अब मैं ना आपके बेड पे लेटने वाली हूँ. और उसने इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिया मुझे दैट देयर वाज एब्सोल्युटली नो रीज़न फॉर मी टू फील कि मैं इसको जानती नहीं. तो एक बहुत क्लीन और प्योर हार्टेड पर्सन जो होता है वो सुरभि की पर्सनैलिटी है. एंड दैट वॉज समथिंग दैट रियली रियली गॉट मी टू यू नो लाइक हर अलॉट. एंड इनवेरिएबली हमारे सारे सीन्स भी एक साथ होते हैं. सो वी सो फार बिन हैविंग अ फैंटास्टिक टाइम टुगेदर.